हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने अस्पतालों का लिया जायजा, देखी चिकित्सा व्यवस्थाएं। सीएमएचओ डॉक्टर कमलेश चौधरी ने गुरुवार को चौटन सीएचसी सहित क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों से क्षेत्र की कोरोना प्रोटोकॉल की पालना, उपलब्ध सुविधाओं सहित नियमित ओपीडी का फीडबैक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। डॉक्टर कमलेश चौधरी ने चौटन में मीडिया से रूबरू होकर जिले में कोरोना की स्थिति को पूर्णतः नियंत्रित बताया। उन्होंने कहा कि लोग सोशल डिस्टेंस की पालना कर रहे हैं तथा सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना की जा रही है, जिससे स्थिति नियंत्रण में है। मैं मानता हूं कि बाड़मेर की जनता बहुत ज्यादा जागरूक है। जो कोरोना के प्रोटोकॉल है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आपकी खुद की हेल्थ एंड हाइजीन मेंटेन करना है, हाथों को बार बार साबुन से धोना है, मैं ही मानता हूँ कि अपन ये सब लोग कर रहे हैं और इसमें मीडिया की भी अहम भागीदारी। मीडिया बार बार जागरूक रखकर बार बार अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जागरूक किया, पब्लिक ने फॉलो किया। उन्होंने कहा कि जिले में 20 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर स्वास्थ्य जांच की गई है। अब तक 66 कोरोना सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मात्र एक केस पॉजिटिव निकला है, जिसे भी उन्होंने आयातित कोरोना केस बताया है। सालारिया गांव में गुजरात से लोगों की घर वापसी और चेक पोस्ट निगरानी कमजोर होने के सवाल पर उन्होंने अपनी व्यवस्था को चाक चौबंद बताते हुए लोगों पर दोषारोपण करते हुए कहा कि वे चोर रास्ते से आए हैं। गांव में पहुंचकर वास्तविकता की जानकारी लेकर तत्काल बचाव उपाय शुरू करवाए जाएंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से दुर्गा सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट।